अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दुआ करती हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खुश रहें। अल्लाह ताला आपको हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, काहिनों के कहर से आप सब की हिफाजत फरमाए। आज मैं आपके लिए लाई हूं मछली का सालन, जो लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ। आइए देखते हैं इसके क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं। फिश हमें चाहिए, हमने 1 किलो में फ़िश लिया, जिसको धो के मैंने साफ़ कर लिया है। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के, हमने चॉप करके रख लिए। दही हमने आधा पाव लिया है। तेल हसबे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत है, ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल दें, मैं इतना ही यूज़ करूँगी। प्याज मैंने फ्राई कर ली है, आपको मैं बता दूँगी क्या करना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 टीस्पून, और हमें पानी चाहिए होगा कुछ इसके लिए। और मिर्चियाँ मैंने ली हैं 2 टीस्पून, नमक हसबे जायका, हल्दी 1/2 टीस्पून, और धनिया पाउडर। मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ, ड्राई रोस्ट, उसको पीस लेती हूँ, तो ये मैंने 2 टीस्पून लिए। और चाट का मसाला 1 टीस्पून लिया है मैंने। और इसके भगा के लिए, जो हम भगा लेंगे इसको, तो इसके लिए चाहिए होंगी चीज़ें, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदर, मेथी दाना 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, और एक गर्म मसाला चाहिए हमने, ये भी मैंने होममेड बनाया है गर्म मसाला, मैंने इसको पीस लिया है, तो ये हम आखिर में डालेंगे 1 टीस्पून। और इसमें आखिर में जो डलेगी और गार्निशिंग के लिए, हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची और लेमन। चले आए देखते हैं किस तरह पकेगी ये। चले हम पहले सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। चूल्हा जला दिया हमने, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। अब इसे कड़ी पत्ता, मेथी दाना और जीरा डाल देंगे। चंद सेकंड के लिए इसको भून लेंगे। उसमें हम टमाटर डाल देंगे। अब ये मसाले हैं, मिर्चे, नमक, टी स्पून चाट मसाला, धनिया और हल्दी, ये सब डाल देंगे। थोड़ा भूनेंगे मसालों को। टमाटर मैश करते रहेंगे कि ये सब गल जाए ना, पिस जाए अच्छी तरह। इसको आज हम सर्व करेंगे बॉयल राइस के साथ। ये हमारी बहन ने फरमाइश की थी बांग्लादेश से, तो ये उनकी फरमाइश आज मैं पूरी कर रही हूँ। आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे फरमाइश करें कमेंट्स में, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूँगी मैं। अगर आपको भी डिशें अच्छी लग रही हैं, रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कोशिश करूँगी कि आइंदा भी मैं आपको बहुत आसान रेसिपीज़ बताना सिखाऊँ। देखिए टमाटर हमारे सब गल गए हैं और पिस गए हैं, थोड़ा मैश हो गए इसको। मैं इसी तरह करना है इसको, मसाले को थोड़ा भूनेंगे जब तक कि हमारा ये तेल सेपरेट ना हो जाए।
मछली धोने के लिए बस सिर्फ इसको मैंने सादे पहले जो बाज़ार से आई है तो उसको मैंने खूब नल से धो लिया सादे पानी से। फिर इसको थोड़ा पानी इसमें मैंने लेके और इसमें सिरका डाल के 5 मिनट के लिए रख दिया। फिर उसको धो के साफ करके रख दी थी मैंने फ्रिज में। कोई स्मेल नहीं आएगी उसमें, कोई कुछ नहीं आएगा। लहसुन अदरक भी डाल देंगे। अदरक का मैंने पाउडर डाला है इसमें, ठीक है, 1 टीस्पून, और लहसुन पीस के डाला है वो मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। और प्याज फ्राई करने का जो है कि अगर आप लोगों के पास प्याज फ्राइड नहीं है तो सबसे पहले ऑयल डाल के पहले प्याज फ्राई करके प्याज निकाल लेंगे, बाकी सारा प्रोसेस फिर इसी तरह करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा कि प्याज फ्राई करके आपको दिखाएं। कम वक्त में मैंने हमें बनाना होता है। थोड़ा पानी डाल डाल के भूनेंगे इसको। देखिए मसाला हमारा ये फट गया है, ये की निशानी भुनने की यही है, ये भुन गया अच्छी तरह। तेल ऑयल जो है हमारा अलग हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे फ्राइड प्याज। दो प्याज मैंने ना फ्राई करने में लेके तो फ्राई कर लेगी। दही भी डाल देंगे, दही को डालते ही फटाफट चलाएंगे वरना ये फट जाएगी दही। तो इसको आँच को दरमियाना रखेंगे हम। दस मिनट हमने पहले भुना प्याज और दही डालने से पहले, अब इसको 5 मिनट भुनेंगे तकरीबन। ये मेरी टाइमिंग कुकिंग की ये है कि 5 मिनट मैंने 10 मिनट पहले भून लिया, 5 मिनट अब भून रही हूँ। अब आप अपने तरीके से जिस तरह आप बनाती हैं आप इस तरह से बनाएं कि कितना आपको भुनना है, कितना रखना है, तो आपको पता है वो कितने आप किस तरह से रखती हैं पकाने का। सबका अपना अपना अंदाज़ होता है। ये नई बच्चियों जो होती हैं नई पहली दफ़ा पकाने वाली, जो नई नई शादियाँ हुई हैं उनको नई रेसिपीज़ बनानी है, तो उनके लिए मैं बताती हूँ टाइमिंग। जो पकाने वाली है माशाल्लाह उनको तो पता ही होता है कि कितना टाइम लगेगा किस क्या चीज़ पकने में। देखिए ये भुन गए, अब हम इसमें फिश डालेंगे। आँच हल्की करके डालेंगे, ठीक है। अभी इस वक्त सिर्फ हम चला देंगे, फिर नहीं चलाएंगे। अच्छी तरह मसाले में कोट कर देंगे इसको।
एक मिनट इसको ज़रा भून लेंगे। फिश तो हमारी बहुत जल्दी गल जाती है। एक गिलास भर के हमने इसमें पानी डाल दिया क्योंकि हमें मसाले वाली बनानी है। थोड़ा सा और डालेंगे। इतना मसाला हमें चाहिए तो इसके लिए हम ज़रा सा और पानी डालेंगे कि ये 10 मिनट इसको हम दम पे रख देंगे बस। अब बस ये पकने का पानी ये रोहू मछली ली है हमने। अब आप जो से आपका दिल चाहे ले लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको कमेंट में मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी मेरी। और इसको हम ढक के अब 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, फिर इसके बाद हम डिश आउट करेंगे, दिखाते हैं आपको आगे। 10 मिनट पका लिए हमने इसको, सही आ रहे तकरीबन। इसमें हम लेमन डालेंगे। गर्म मसाला था वो डालेंगे। अभी शाउट करके दिखाते हैं हम आपको। पहले में तैयार हो गई है हमारी माशाल्लाह से फिश करी, मतलब फिश ग्रेवी के साथ, और ये हमने राइस दिए इसके साथ बॉयल वाले। और आपको पसंद आए मेरी रेसिपी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मेरी अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती है तो कमेंट में जाके उसको कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जो मुझे पता चले कि मेरी हौसला अफजाई हो के मैं आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही, तो फिर मैं इतने जोश से फिर काम करूँगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।